हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और फिर से स्वागत करता हूँ आपके ही अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है RK रविंद्र एंटरटेनमेंट। जी हाँ दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ अपने। मेरा सेटअप जैसा कि आप देख सकते हो, और आप सभी को मैंने एक पहला वीडियो जो डाला था, आप लोगों ने बहुत ही अच्छा प्यार दुलार दे रहे हो उस पर, और काफ़ी अच्छा। अभी मेरा ये नया YouTube चैनल है दोस्तों, और काफ़ी अच्छा YouTube पे व्यू आ रहा है। और ऐसे ही प्यार अपना देते रहिए, आशीर्वाद देते रहिए एक छोटे से कलाकार को। और आज स्वेटर पहना हूँ क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा है गुजरात में इस टाइम, तो रात के 10:15 बजने वाले हैं, पर ठंडी जो है काफ़ी ज़्यादा है। तो आप देख सकते हो ये सेटअप है दोस्तों। उस वीडियो में मैंने बताया था कि क्या क्या लगता है स्टूडियो में, कैसा होना चाहिए, क्या क्या आप लोग को ज़रूरत पड़ता है एक होम स्टूडियो खोलने के लिए। लेकिन इस वीडियो में आपको इस छोटे से सिस्टम का क्वालिटी साउंड टेस्ट कराऊंगा, आप लोग को दिखाऊंगा कि कैसा इसमें क्वालिटी निकलता है, एक बड़े स्टूडियो में कैसा क्वालिटी रहता है, अब एक छोटे से सेटअप पे देख सकते हो आप कैसा क्वालिटी रहेगा। तो मेरे कहने का मतलब दोस्तों यही है कि सिस्टम बहुत ज़्यादा बड़ा रहे तो उसका अलग ही बात रहता है, छोटे से सिस्टम पे कैसा क्वालिटी निकल सकता है, इतना बुरा भी नहीं निकलता, आप लोग खुद देखोगे तो यकीन करोगे। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और बेल आइकन को तो ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे जो भी मैं वीडियो भेजूंगा आप लोग को तुरंत पहुंचेगा, उसका नोटिफिकेशन आप लोग को पहुंचेगा। लेकिन बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे ज़रूर उसको सेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज मैं आप लोग को इसका ऑडियो टेस्ट कराऊँगा कि कैसा क्वालिटी निकलता है। ये देखिए, ये माइक्रोफोन है, और ये छोटा सा रूम है, उसके बाद इसी पे मेरा सेटअप है। बाकी ये देख सकते हो कपड़े रहते हैं, ये आप देख सकते हो, यही सब सिस्टम है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आप लोग को इसका ऑडियो टेस्ट करा देता हूँ, पहले दिखा देता हूँ, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि बात ज़्यादा करते हैं उसके बाद दिखाते नहीं। तो अभी मैं हाथ में मोबाइल पकड़ा हूँ स्टैंड पे, तो अभी वीडियो को कट करना पड़ेगा और यहाँ पे जाना पड़ेगा। आप लोग को लाइव मैं दिखाऊंगा कि मैं कैसे गा रहा हूँ और कैसे आवाज़ निकलेगा, तो स्टैंड पे मुझे लगाना पड़ेगा इस पर, तो उस पर अभी लगा के सेट करके फिर आप लोग को यहाँ से रिकॉर्डिंग लाइव वहाँ से गाऊंगा मैं, और आप लोग देखेंगे, और इसका क्वालिटी जो भी आएगा मैं सुनाऊंगा। तो चलिए चलते हैं और लाइव इसको सेट करते हैं, उसके बाद बात करते हैं, और इसके बाद और भी ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे आप लोग के बीच में, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं छोटे भाई का, तो उसको पूरा करिए प्लीज़। तो चलिए चलते हैं सेटअप पे। तो दोस्तों अभी यहाँ पे आ गए और आप सभी को इसका टेस्ट, अभी आउटो ट्यून लगा हुआ है इसके, तो आवाज मेरा थोड़ा बज रहा होगा, ठीक है। तू हंस के जान दिलवा में दर्द बढ़ गए, तू हंस के बोललू ये जान दिलवा में दर्द बढ़ गए, तोहरा प्यार में पागल, हाँ तोहरा प्यार में पागल, ई दीवाना हो गए, तू हंस के बोललू ये जान दिलवा में दर्द बढ़।
गई। अरे तू हंस के बोललू ये जान, दिलवा में दर्द बढ़ गई। कोई एक दूसरा एक गाना कि गोरिया चांद के अजोरिया नियन गोर बाड़ू हो, कि गोरिया चांद के अजोरिया नियन गोर बाड़ू हो, तुहार जोड़ केहू नहीं खे बेजोड़ बाड़ू हो, तुहार जोड़ केहू नहीं खे बेजोड़ बाड़ू हो। तो दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को क्वालिटी, आप लोग ने सुना, आप लोग बताइए कैसा लगा, क्योंकि इस छोटे से सेटअप पे आप लोग ने सुना तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए कि कैसा आवाज़ निकल रहा है। और बहुत अभी अच्छे से नहीं मतलब सिंगिंग किया, मतलब थोड़ा सा नर्वस था क्योंकि वहाँ से रिकॉर्डिंग हो रहा था, तो इसमें मतलब उतना अच्छे से नहीं गाया। और जैसे बड़े स्टूडियो में रहते हैं सब लोग तो एक बार दो बार तीन तीन बार एक ही शब्द को मतलब गाया जाता है, जब तक सेट ना हो जाए अच्छे से तब तक उसको गाते हैं, फिर से गलत ऑटो ट्यून का मतलब कि स्केल में जब तक आप गाओगे नहीं तो आवाज़ थोड़ा सा मेरा कहीं ना कहीं स्केल थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, क्योंकि खाना खा चुका हूँ तो इसके लिए थोड़ा सा गाना गाने में प्रॉब्लम होता है, पर अगर ठीक से रीटेक लेते तो अच्छा होता। फिर भी आप लोगों ने जो इसका सेटअप मतलब जो क्वालिटी है वो आप लोग को तो जैसे पता चला होगा, तो कमेंट ज़रूर करिएगा कि कैसा आप लोग को लगा। बड़े स्टूडियो में आप लोग देखे होंगे या इस छोटे सेटअप का, दोनों में बहुत फ़र्क होगा ज़मीन आसमान का ये मानता हूँ, क्योंकि ये बहुत छोटा सेटअप है, वो बहुत लाखों रुपए का सेटअप रहता है। फिर भी लेकिन एक हम लोग के सिंगर, छोटे से सिंगर के लिए अगर इतना बड़ा सेटअप बहुत है हमारे लिए सीखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, तो यही बताने के लिए ये वीडियो बनाया। और आप लोग बताइए कि कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा वीडियो को, लाइक ज़रूर करिएगा जिससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर नए आए हुए हैं तो, और ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद देते रहिए। आगे ऐसे ही वीडियो में लाऊंगा, जो भी आपको क्वेश्चन होगा कमेंट करिए, उसका जवाब मैं ज़रूर दूंगा और उस पर मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। आप लोग कमेंट करिए, जो आप लोग बोलोगे अगर मेरे से जितना हो सकेगा मैं उस पर ज़रूर आप लोग के वीडियो का कमेंट का रिप्लाई करूंगा और उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो जो भी क्वेश्चन है आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, मेरे मतलब मुझे जितना नॉलेज है, जितनी नॉलेज है मेरे पास वो आप लोग को मैं ज़रूर बताऊंगा। इतने समय में जो मैं सीखा हूँ, अभी मैं रिकॉर्डिंग मिक्सिंग इसी पे करता हूँ, तो बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है मुझे दोस्तों, पर फिर भी आप लोग को जो बड़े बड़े यूट्यूबर नहीं बताते, बड़े बड़े स्टूडियो वाले नहीं बताते, वो मैं आप लोग को बताऊँगा। और ऐसे ही प्यार आशीर्वाद बनाए रखें, मिलता हूँ दूसरे वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।